टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए पी ट्यूटोरियल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3। ओके, लेट्स सी हियर चैप्टर 3। वो चैप्टर 3 क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यू नो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 3 का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक हम कवर अप करेंगे उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में, बिकॉज वो टॉपिक करने के बाद ही हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 3.2 क्वेश्चन कर पाएंगे। सो प्लीज गो ऑन वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, देन इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अंडरस्टैंड, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। देन यू नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे मैथ्स का वह ब्रांच है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रा के थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं। मीन्स ऑलरेडी ना सन्मार्ग मीन्स हेयर चिलिंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करना बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं ज्योमेट्री। नाउ इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम हम किसे कहते हैं, यू नो देन हियर टेलिंग कार्टेशियन सिस्टम क्या है, द सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। मीन्स यू नो कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी भी पॉइंट की पोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लेन में। अंडरस्टैंडिंग ना। नाउ अब क्वेश्चन यह आता है कि कार्टेशियन सिस्टम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, आर यू रेडी ना। सो हियर लेट्स नो दैट इट वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस सिस्टम को, कार्टेशियन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ओके, हिज नेम वाज रेने डेस्कार्टिस वाज द फर्स्ट फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे who introduced कार्टेशियन सिस्टम, जिन्होंने कार्टेशियन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ओके, द नेम ऑफ दैट मीन्स मैथमेटिशियन वॉज नन अदर देन रेने डेस्कार्टिस। इनका नाम था रेने डेस्कार्टिस। अंडरस्टूड? नाउ अब यू नो कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं, इट इज क्लियर हो गया कि यू नो जस्ट कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी पॉइंट टू पोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं इन अ प्लेन। क्लियर है? एंड दिस कार्टेशियन सिस्टम वॉज फर्स्ट गिवन बाय रेने डेस्कार्टिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल कवर इन दिस चैप्टर इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम किसे कहते हैं, यू नो लेट मी जस्ट फॉर टेल यू कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। यू नो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट बाय यूजिंग टू परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, बहुत ही सिस्टम मीन सिंपल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, जब हम दो परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू उस पॉइंट की पोजिशन को डिटरमाइन करते हैं, देन दैट दिस परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जस्ट लुक हियर, द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट, the position of a point is determined
the position of a point is determined by two fixed mutual perpendicular lines called coordinate axis. किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम दो लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस लुक हियर, टू परपेंडिकुलर लाइन, दिस ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है. ओके, सपोज दैट एक्स ये ओरिजिन है. ऑरिजिन किसे कहते हैं? जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन. ओके, जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ऑरिजिन. तो एक्स ओ एक्स बार और ये हमारा हो गया वाई ओ वाई बार. जस्ट लिसन हियर, एक्स बार ओ एक्स को हम कहते हैं यू नो व्हाट, एक्स एक्सिस, और हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x axis, the horizontal line x bar o x को हम x axis कहते हैं, और vertical ये vertical है ना, सीधी line है, इस तरह से लंब है, then vertical line y o y bar को हम कहते हैं y axis. clear? So you can write on here the horizontal line x bar o x is called x axis, horizontal line x o x को हम क्या कहते हैं, this for x axis, and vertical line y o y bar is called y axis, इसे हम y axis कहते हैं. ओके, understood? आया समझ में? क्लियर हो गया? एक्स ओ एक्स को हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई वाई को वाई एक्सिस कहते हैं. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है कन्वेंशन साइन. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कन्वेंशन साइन. व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन साइन? किसे कहते हैं? जस्ट लुक हियर, इस जस्ट लुक हियर, हम प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बाय यूजिंग टू परपेंडिकुलर लाइन. ओके, नाउ अब हमें ये देखने हैं कि ये कितने पार्ट्स हैं, और पार्ट्स तो फोर हो गए, 1 2 3 4, और ईच पार्ट को हम कौन से साइन से, नेगेटिव या पॉजिटिव, किस साइन से हम डिनोट करते हैं? जस्ट लुक हियर, बहुत ही ध्यान से देखें आप, ये ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स एंड ओ वाई क्या है? आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, प्लस पॉजिटिव में आएंगे, ओ वाई एंड ओ एक्स पॉजिटिव है. नाउ ओ एक्स बार एंड ओ वाई बार आर नेगेटिव. ओ एक्स बार और ओ वाई बार ये क्या है? नेगेटिव है, देख सकते हैं, माइनस है. ओके, सो ओके, ये प्लस हो गया. नाउ हियर टेलिंग यू नो, इस किसी भी प्लेन को हम फोर पार्ट में, ये लाइन जो है प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड करती है. ओके, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, हर पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल्सो क्वाड्रेंट. देन हियर थ्री टू परपेंडिकुलर लाइन्स डिवाइड अ प्लेन इन फोर इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करती है पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड
is called quadrat. Quadrat. Quadrant. किसे कहते हैं? ओके, इसे हिंदी इज ऑल्सो कॉल्ड चतुर्यांश. ओके, जस्ट लुक हियर. ये दो परपेंडिकुलर लाइन प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड करती है. ओके, गेटिंग नाउ? एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. अब हर पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट. दिस इज वन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट. अंडरस्टूड? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स. ओके, एंड लुक हियर. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, एक्स एंड वाई. सेकेंड में माइनस प्लस, एक्स माइनस है एंड वाई पॉजिटिव है. एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव है. इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव. अंडरस्टूड? आप कन्वेंशन साइन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये भी देखेंगे कि जस्ट यू नो प्लेन को हम फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, एंड देयर आर दिस आर नेम्ड आल्सो फर्स्ट या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इन क्वाड्रेंट हम नेम भी दे सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर है? सो स्टूडेंट, अब हम लास्ट टॉपिक जिस इंट्रोडक्शन क्लास में देखेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन. किसी भी प्लेन में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? जस्ट लुक हियर. यहां देखेंगे टू परपेंडिकुलर लाइंस है इस तरह से. ओके, एक्स ओरिजिन, जहां पे टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. वाई, वाई बार. जस्ट लुक हियर, यू नो डिस्टेंस. सपोज दैट हमें किसी पॉइंट की पोजिशन को फाइंड करने हैं. सपोज दैट एक पॉइंट है एम. ओके, अब हमें इसके पॉइंट को, इसकी पोजिशन को, इस पॉइंट पॉइंट एम की पोजिशन को फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले हम नेम करेंगे, नंबरिंग डालेंगे. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. हियर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर. माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर. जस्ट लुक हियर. देन इस एम की पोजिशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एंड वाई. एक एक्स से डिस्टेंस होती है और एक वाई से डिस्टेंस होती है. टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई. सपोज इट एक्स एंड वाई कोई भी आप ले सकते हो. यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस जो डिस्टेंस होती है उससे हम कहते से y एक्सिस. यू नो y एक्सिस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? ये है y एक्सिस डिस्टेंस, ये है मींस इतने दूरी पे है m. y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. y एक्सिस से ये एक पॉइंट m 5 यूनिट डिस्टेंस पे है. ओके, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है. तो यू विल राइट आउट हियर, x के प्लेस पे हम यहां रिटर्न करेंगे 5. x एक्सिस पे कितने हैं? मींस y से ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 5 यूनिट. ओके, नाउ x से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x से भी 5 है. ओके, x से आई थिंक 5 नहीं है, ये 4 है. ओके, हाँ ये क्या है? 4 है. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस में डिस्टेंस को हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट. ओके, x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड, यू नो, x कोऑर्डिनेट. द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और एब्सिसा. ओके, और नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे? देन द डिस्टेंस फ्रॉम वाई, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और हम इसे कह सकते हैं और ऑर्डिनेट, और हम इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है? सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन? पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट्स क्या है? देन यू कैन राइट डाउन हियर दैट कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन इज 5 and 4, x 5 and y 4। क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक, ये टॉपिक थी जो हमें कवर अप करने थे इस चैप्टर में। अब इन सारे टॉपिक्स को यूज करके हम एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहते हैं राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस गिवन है, हमें आंसर सिंपली रिटन करने। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन पॉइंट। किसी पॉइंट की पोजीशन ड्रॉ करने के लिए जो हम टू लाइंस, टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं उसका नाम क्या है? ओके, जस्ट लुक हियर, टू लाइंस ड्रॉ करते हैं, दिस वन एक्स ओ एक्स बार, वाई ओ वाई बार। ओके, देन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? दिस कॉल हॉरिजॉन्टल लाइन। देन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, सो आंसर द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। एंड द वर्टिकल लाइन, द वर्टिकल लाइन, ये सीधी लाइन को हम कहते हैं, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसे क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस? यू नो ये दिस टू लाइंस, इन दोनों लाइन से यू नो क्या बनते हैं? हियर टेलिंग, इन दोनों, जब हम दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी प्लेन को, देन यू नो क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4। प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हर पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। So what is the name of each part of the plane formed by these two lines? Then that is called quadrant. Okay? वो part को, उस part को क्या कहते हैं जिसे ये दो line आपस में मिलकर काटती है? Then that is called quadrant. Quadrant. चतुर्भुज। Four में से one part को कहते हैं quadrant. First quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. Next is write the name of the point where these two lines intersect. जहां पे ये दो लाइन आपस में मिलते हैं, मिलती है, जस्ट लुक या एक्स ओ एक्स लाइन एंड वाई ओ वाई बार, जहां पे ये दो लाइन आपस में मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? देन दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। उसे हम कहते हैं ओरिजिन। यू नो व्हाट डू मीन बाय ओरिजिन? ओरिजिन किसे कहते हैं? दिस द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। ओके, वो पॉइंट जहां पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। आई होप यू अंडरस्टूड इट।